सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बी जेमी। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज है जमजम का फर्स्ट टाइम शूट। एक एल्बम सॉन्ग आने वाला है जिसमें जमजम का छोटा सा रोल है और जमजम को सिलेक्ट किया है उसके बड़ाबा ने, जो कि उसी सॉन्ग के वो एक्टर हैं और वो जमजम को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और जमजम भी उसको काफ़ी प्यार करती है। इवन जमजम अपने डैडी से भी ज़्यादा उसको पसंद करती है और जमजम है भी काफ़ी क्यूट, तो इसीलिए उसको इस सॉन्ग में सिलेक्ट किया है। और जो शूट होने वाला है वो है एक विलेज एरिया में और उसका नाम है जात्राडांगा। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। लगभग 1 बजे की तरफ हम लोग यहाँ से निकले हैं और जमजम भी रास्ते में सो गई थी क्योंकि दोपहर का टाइम था और ये जगह टाउन के थोड़ा अंदर ही था। लगभग आधा घंटा लग गया हम लोग को जाने में और अब हम पहुंच गए हैं और जगह भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत था। और इस सॉन्ग की जो एक्ट्रेस है वो भी जमजम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि उसने जमजम के बारे में इतना सुना था कि वो भी जमजम की फ़ैन हो गई है। सो गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग जा रहे हैं शूटिंग के लोकेशन में। सबसे पहले जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो लोगों का शूट होगा, फिर जमजम का शूट होगा। सो अभी हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे बाकी का शूट कैसा होता है। और अभी हम लोग एक नदी के किनारे में थे और ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। ये तो अदीना फॉरेस्ट से भी ज़्यादा सुंदर था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। और यहाँ पे जमजम देख लेती है अपने बड़ाबा को और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे इस नदी में एक छोटा सा शॉट था एक्टर और एक्ट्रेस का बोट में, तो वही बोट लाया जा रहा था। और अब हम सब मिल के यहाँ पे वेट कर रहे थे कि किस टाइम स्टार्ट होगा शूट। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी जमजम का शूट देखने के लिए। और यहाँ पे जो बोर्ड लाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो वो सब लोग मिलके उसको नदी में नमा रहे थे नीचे। और काफ़ी लोग भी आ गए थे यहाँ पे शूट देखने के लिए। और यहाँ पे जमजम को शांत रखने के लिए हम लोग चिप्स खिला रहे थे। वैसे तो मैंने कभी इसको चॉकलेट चिप्स दिया नहीं, ये तो बाहर ही बाहर खा के सीखी है। और यहाँ पे घोड़ा भी लाया गया था, यहाँ पे भी एक घोड़ा में एक शॉट था इसीलिए घोड़ा को भी लाया गया था। सो जब तक बोट नदी में नमाया जाता है तब तक यहाँ पे जो एक्टर है उसको ट्रेन किया जाता है घोड़े चलाने की। और फिर जमजम को घोड़ा देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और उसको भी उठने का दिल करता है। और फिर जो घोड़ा चला रहा था वो फिर जमजम को लेकर जाके उस पर बैठा देता है। पहले पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर थोड़ी देर बाद उसको डर लगने लगता है और अब उसको उतार दिया जाता है। अब हम आ गए हैं दूसरे लोकेशन में, मतलब हम लोगों ने प्लेस चेंज नहीं किया, फॉरेस्ट में ही हैं लेकिन हम लोग उसके पास वाली जगह पर गए हैं क्योंकि वो बोट जो लाया गया था उसको नदी में जैसे नमाया उसमें छेद था तो पानी अंदर आ रहा था तो उसका शॉट नहीं हो पाया, तो इसलिए अब हम लोग दूसरे लोकेशन में आए हैं। यहाँ पर एक और दूसरा शॉट होगा, उसके बाद फिर जमजम का शॉट होगा। और जो घोड़ा लाया गया था वो घोड़ा का भी यहीं पर ही शूट होगा। और यह शॉट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, दिखने में जितना इजी लगता है उतना है नहीं। एक शॉट को लगभग 3 से 4 बार करके शूट होता है। मैं तो एक चीज़ को ही 3-4 बार देख देख के बोर हो गई थी। और ये सॉन्ग के पीछे पता चलता है कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है और लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं एक छोटी सी क्लिप को शॉट करने में। और फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है तो जमजम को भी भूख लग जाता है, तो मैं उसके लिए घर से खाना लेकर आई थी तो मैं यहाँ पे उसको खाना भी खिला देती हूँ। और यहाँ पे जो मेरी सासू अम्मा है उसके रिलेटिव का घर है तो वहाँ से वो लोग भी आए थे मुलाकात करने के लिए। और फिर फाइनली यहाँ का शॉट ख़त्म होता है और नेक्स्ट शॉट की तैयारी शुरू होती है जो कि सरसों के खेत में होने वाला है, वहाँ पे एक जमजम का शॉट है। सो इस एल्बम के जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो लोग अपना ड्रेस चेंज करते हैं और मैंने तो जमजम को घर से ही कपड़े पहना के ही लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। और मुझे तो पहले से मालूम था कि ये एक विलेज एरिया है तो इसीलिए मैंने सोचा कि काफ़ी ठंड होगी तो मैंने जमजम को कपड़े पहना के ही लेकर आई। और फिर फाइनली जमजम का शॉट स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो एक्ट्रेस है उसकी बेटी का रोल प्ले कर रही है जमजम। काफ़ी खूबसूरत व्यू था और जमजम भी बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में भी। और इतना सा ही शूट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और अंधेरा होने लगता है। सो थोड़ा बहुत लाइटिंग से काम चलाने का कोशिश करते हैं वो लोग, लाइट एक्स्ट्रा लाइट जला के, लेकिन कि फिर वो परफेक्टली हो नहीं पाता। तो फिर आज तो सारा शूट जमजम का हो नहीं पाया, इसीलिए इसका शूट कल भी होगा, तो मुझे कल फिर से आना पड़ेगा जमजम को लेके यहाँ पे। और विंटर टाइम है तो काफ़ी जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, तो हम लोग बस जल्दी से निकल जाते हैं वहाँ से। और हम लोग जाते टाइम हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, जो मैंने बोला था मेरी जो सासू अम्मा है उसके रिलेटिव का घर है तो हम लोग उसके घर में भी जाते हैं।
और उस घर में दो बच्चे भी थे जो कि जमजम को काफ़ी सारे खिलौने ला के दे रहे थे और उसके साथ काफ़ी खेल रहे थे और जमजम को भी बहुत मज़ा आ रहा था और उसका वहाँ इतना मन लग गया था कि वहाँ से आने नहीं चाह रही थी। तो फिर मैं उसको जोड़ करके लेकर आती हूँ। सो घर पहुँचते पहुँचते हम लोग का काफ़ी ज़्यादा रात हो जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।